स्टूडेंट्स, आई एम किरण गोस्वामी, एमएससी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन टुडेज क्लास वी विल से अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज। ओके, हियर सम फैक्टर्स आर देयर, दे कैन अफेक्ट आवर सैम्पल साइज। ओके, हियर फर्स्ट इज द डिज़ाइन इफेक्ट। डिज़ाइन दैट मीन्स रिसर्च डिज़ाइन। ओके, द स्टडीड डिज़ाइन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पल साइज इंक्लूड द टाइप ऑफ स्टडी एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी एंड द सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सैम्पल साइज को अफेक्ट कर सकती हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, रिसर्च वेरिएबल, हम लोग पढ़े हैं ना, तो रिसर्च में कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और जो सैम्पलिंग का स्ट्रेटजी है वो क्या कर सकता है, सैम्पल साइज को अफेक्ट कर सकता है। ओके, देन क्वांटिटेटिव स्टडीज़ रिक्वायर लार्जर सैम्पल एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव स्टडीज़। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में क्या होता है कि ज़्यादा सैम्पल चाहिए रहता है और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में कम सैम्पल चाहिए रहता है। अगर ये अपोजिट हुआ तो वहाँ पर रिसर्च स्टडी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमारे क्या है, रिसर्च डिज़ाइन है ना। ठीक है, तो डिज़ाइन में मेनली हम लोग को किस में फोकस करना है, फर्स्ट इज़ दी, अगर रिसर्च का वेरिएबल है और उसके सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज हैं अगर एडिक्वेट नहीं हुए तो सैम्पल साइज को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। प्लस यहाँ पे और एक चीज़ क्या बोल रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में ज़्यादा सैंपल लगते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में सैंपल कम लगता है। ठीक है, अगर ऐसा अपोजिट हुआ, मीन्स क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में कम सैंपल है और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में ज़्यादा सैंपल है, तो वो हमारे रिसर्च स्टडी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन रिक्वायर लार्जर सैम्पल साइज देन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ठीक है, वही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में ज़्यादा सैम्पल लगता है, क्वालिटेटिव में कम लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी वही लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये पैराग्राफ तुम लोग पूरा पढ़ोगे, ठीक है, जो मेन है वही मैं तुम लोग को बताई हूँ। ठीक है, डिज़ाइन कैसे अफेक्ट करता है सैम्पल साइज को। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, रिसोर्सेस अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास रिसर्च स्टडी करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं अगर वो एडिक्वेट नहीं हुए तो वो क्या कर सकता है, सैम्पल साइज को अफेक्ट कर सकता है। अब कौन कौन से रिसोर्सेस है वो अपन देखते हैं। ठीक है, अ लार्ज सैम्पल में इंश्योर प्रिसीजन बट इट मे प्रूव टू बी कॉस्टली एट इट मे मेक रिसर्चर रियलाइज एट सम टाइम और अदर देन दे आर रनिंग शॉर्ट और आउट ऑफ मनी एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, सपोज हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा सैम्पल साइज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और हमारे जो रिसोर्सेज रहेंगे वो भी ज़्यादा रहेंगे। रिसोर्सेज ज़्यादा रहेगा तो क्या लगेगा, उसके लिए मनी और बजट भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसलिए अगर इनफ मनी नहीं रहेगा, ठीक है, इनफ रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो हमारा सैम्पल साइज उससे क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, इट विल बी अफेक्ट आवर रिसर्च ऑल्सो। ओके, द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द स्टडी, द सैम्पल साइज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टडी टू बी कैरीड आउट, स्मॉल सैम्पल्स कैन मेक इंटेंसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज सक्सेसफुल बट फॉर एक्सटेंसिव एंड वन टाइम स्टडीज लार्ज सैम्पल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मीन्स नेचर ऑफ स्टडी, मीन्स स्टडी के अकॉर्डिंग, या तो फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी हमारा रिसर्च स्टडी क्या हो सकता है, अफेक्ट होता है। अलग अलग रिसर्च डिज़ाइन के लिए अलग अलग सैम्पल्स हम लोग को क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग एडिक्वेट सैम्पल नहीं रखेंगे द स्टडी मे बी अफेक्टेड। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड यूज्ड, ठीक है, सैम्पल साइज डिसाइड करने के लिए जो हम लोग सैम्पल मेथड या टेक्निक यूज़ किए हैं, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ तो, जैसे कि स्मॉलर बट इफिशियंटली सेलेक्टेड सैम्पल प्रूव टू बी फार बेटर देन बैडली सेलेक्टेड। ठीक है, स्पूरियस लार्ज सैम्पल्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैज़ बीन एबल टू प्रूव इट्स वर्थ इन द रिसर्च मोर एज कम्पेयर टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कि सैम्पलिंग टेक्निक मेथड बोल रहा है। ठीक है, और मेथड लास्ट लाइन में किसको हाईलाइट किया है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक या मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और मेथड। क्यों? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में हम लोग क्या पढ़े हैं, रैंडमली सेलेक्शन ऑफ द सैम्पल्स ना, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या रहता है, रैंडमली सेलेक्शन ऑफ सैम्पल्स प्रेजेंट नहीं रहता, जिसके कारण सबको इक्वल चांस प्रोवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ओके, then next is the homogeneity, if the population is homogeneous then a small samples may be sufficient, since in a homogeneous population their answer are going to be close, taking a large sample would be unwise। ठीक है, क्या होता है कि
यहाँ पे डिफरेंस को समझना, ठीक है। हेट्रोजीनस मतलब क्या होता है कि सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, सैंपल का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन होमोजीनस में क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। अब लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है होमोजीनस पॉपुलेशन का, दैट मीन्स उनके आंसर भी जहाँ तक हो सकते हैं सेम होंगे, ठीक है। उनका क्राइटेरिया भी सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगा। उसी प्रकार, ठीक है, अगर हम लोग होमोजीनस पॉपुलेशन लेते हैं तो कम सैंपल्स में भी रिसर्च स्टडी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हेट्रोजीनस पॉपुलेशन लेते हैं तो सबका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, सब डिफरेंट रहेंगे, इसलिए हमको ज़्यादा पॉपुलेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही डिफरेंट है होमोजीनिटी एंड हेट्रोजीनिटी में। मेन डिफरेंस क्या है, होमोजीनिटी में कम सैंपल पे भी हम लोग रिसर्च स्टडी कर सकते हैं, और हेट्रोजीनिटी में हम लोग को ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सैंपल साइज़ क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंट रहेंगे। देन इफेक्ट साइज, इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्ट्रॉन्ग, देन अ स्मॉल सैंपल विल बी सफिशियंट, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो डिफरेंस है वो उभर के आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में स्मॉल सैंपल्स भी हम लोग रिसर्च स्टडी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, फाइंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज ऑन फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, अ सैंपल दैट इज स्मॉल विल बी इनफ, ठीक है। जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई फैमिली मेंबर्स में ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, तो उस कंडीशन में फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिगड़ सकता है, फैमिली कैसे डिसऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। तो इस पे अपन रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान ड्रग्स लेगा तो उसका फैमिली क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशनशिप हम लोग को क्या दिख रहा है, स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ड्रग एब्यूज़ के कारण फैमिली का डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ड्रग एब्यूज़ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप दिख रहा है, इसलिए हम लोग स्मॉल सैंपल पे भी रिसर्च स्टडी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड फ्रॉम दी एस्टिमेट, प्रेसिजन इज द लिमिट ऑफ टॉलरेबल एरर्स एग्जिस्ट इन द सैंपल एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी इज कंडक्टेड ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स सेटिस्फाइड विद द डाइट प्रूव्ड एट द हॉस्पिटल। इन दिस स्टडी ऑल दैट द रिसर्चर वॉन्ट्स इन इज द नंबर ऑफ पीपल सेटिस्फाइड टू बी विद इन अबव 50 ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन पेशेंट ऑन हॉस्पिटल डाइट, ठीक है। जैसे कि कभी कभी सैंपल साइज इनफ नहीं रहने से भी रिसर्च स्टडी क्या रहता है, इफेक्टिवली नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिया गया है, जो रिसर्चर है हॉस्पिटल डाइट पे क्या करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है कि जो पेशेंट है वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो उसके लिए लगभग उसको क्या चाहिए, अबव 50 सैंपल चाहिए, ठीक है। डाइट इफेक्टिव है या नहीं है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसको एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो सैंपल साइज एडिक्वेट होना चाहिए रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग, ओके। देन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस रिफर्स टू दी आवर डिजायर दैट वी डू नॉट वांट टू एरर टू गो बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। देयरफॉर द हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस द लार्जर इज द सैंपल साइज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीडेड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ 98%, देन मीन्स वी डू नॉट वॉन्ट टू एरर टू बियॉन्ड द 2%, ओके। मीन सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग चूज़ करते हैं, तो बहुत सारे उसमें क्या हो जाते हैं, एरर्स आते हैं, बायस्ड आते हैं। इसलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हम लोग का जो एक्यूरेसी है, वो क्या होना चाहिए, 98% तक सही होना चाहिए, ठीक है। और हम 2% भी वहाँ पे कोई गलती करना या एरर करना नहीं चाहते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन कोऑपरेशन एंड एट्रिशन, एट्रिशन रिफर्स टू द कंडीशन व्हेन पीपल इनिशियली विलिंग टू पार्टिसिपेट फेल टू कंटिन्यू पार्टिसिपेशन एंड लीव द सैंपल, ठीक है। कोऑपरेशन दैट मीन्स जो रिसर्चर है उसका कोऑपरेशन किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ या फिर सैंपल के साथ। ये कोऑपरेशन एंड एट्रिशन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो हमारे जो सैंपल हैं बीच स्टडी में छोड़े मत, ठीक है, कोई भी विड्रॉ मत करे। देन सब ग्रुप एनालिसिस, इफ़ द हाइपोथेसिस आर टू बी टेस्टेड ओनली नॉट ओनली फॉर द पॉपुलेशन बट ऑल्सो फॉर द स्पेसिफिक सब ग्रुप, देन द सैम्पल साइज शुड बी लार्ज इनफ टू मेक द जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट पॉसिबल। जैसे कि मैं पहले ही बताई थी,
एनालिसिस रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए हम लोग का जो पॉपुलेशन साइज हो क्या होना चाहिए, इनफ होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द मेजरमेंट फैक्टर्स। मेजरमेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सैंपल इंक्लूड द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड द इफेक्ट दैट द प्रोसेस हैज ऑन द आउटकम। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट इन विच मेजरमेंट एरर्स इज मिनिमल आर सेट टू बी प्रिसाइज, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट फैक्टर। मेजरमेंट फैक्टर दैट मीन्स हम जो डाटा कलेक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डाटा कलेक्शन करने के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चनर, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया इंस्ट्रूमेंट, और उसमें कोई मेजरमेंट एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग सैंपल साइज कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट फैक्टर। अगर कहीं भी एरर हुआ दैट आवर स्टडी विल बी अफेक्टेड, ओके। सो हियर सम फैक्टर्स आर देयर विच मे अफेक्ट दी सैम्पल साइज। फर्स्ट इज द डिज़ाइन इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्वांटिटेटिव के लिए ज़्यादा रिसर्च सैम्पल साइज लगता है, क्वालिटेटिव के लिए कम रहता है, ठीक है। अगर यह अपोजिट हुआ तो द सैम्पल साइज विल बी अफेक्टेड। देन रिसोर्सेज मतलब मनी एंड बजट, नेचर ऑफ द स्टडी। देन सैम्पलिंग मेथड यूज्ड मीन्स प्रोबेबिलिटी इज मोर इफेक्टिव देन नॉन प्रोबेबिलिटी। होमोजिनिटी दैट मीन्स स्मॉल सैम्पल्स में भी हो जाता है, अगर सैम्पल होमोजिनस है, अगर हेट्रोजिनस रहा तो वहाँ पे ज़्यादा सैम्पल चाहिए। इफेक्ट साइज सेम है। देन डिग्री ऑफ एक्यूरेंस डिजायर फॉर दिस एस्टिमेशन मीन्स एक्यूरेसी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए व्हेन वी आर सेलेक्टिंग दी सैम्पल, ठीक है। कोऑपरेशन होना चाहिए सैम्पल का। देन सब ग्रुप एनालिसिस एंड मेजरमेंट फैक्टर्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट फैक्टर वो देखते हैं अपन, ठीक है। सो दीज ऑल आर सम फैक्टर्स वी कैन अफेक्ट आवर सैम्पल साइज, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।